स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मदनी ने कहा है कि देश की अखंडता की बात करते हैं लेकिन मुसलमानों का जीना दुश्वार कर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि दूसरी बाबरी नहीं बनने देंगे। मुद्दा वही है, ज्ञानवापी मस्जिद को बचाना है और किसी तरह से सर्वे के वीडियो को बाहर आने से रोकना है। 30 तारीख से वीडियो सबको मिलने वाला है लेकिन 28 तारीख से ही माहौल बन गया है। मदनी देवबंद में है, ओवैसी गुजरात में रहेंगे लेकिन दिमाग में ज्ञानवापी का वीडियो ही रहेगा। सच तो यह है कि वीडियो बन गया है और वीडियो आपके सामने आ रहा है। वीडियो की जिनके पास पूरी जानकारी है, जिन्होंने वीडियो की एक एक फ्रेम को समझा है, वो सब कैमरे पर आ चुके हैं। वीडियो में क्या है, दिखा है क्या, क्या नहीं दिखा है, सब बता चुके हैं। अब ओवैसी साहब और मदनी साहब को कोई कंफ्यूजन हो तो उनको और आप सभी को भी यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। वक्त का पहिया घूम गया है, पुराना पन्ना खुल गया है। सबूतों के ढेर लग गए हैं, दावे और तर्कों की भरमार है, सवालों की लिस्ट बन गई है। ज्ञानवापी में मंदिर है या मस्जिद, बस पता चलने वाला है। जिस वीडियो का था इंतजार वो वीडियो आ गया है। 6 दिन ही लोगों ने किया है। बड़ा नंदी है वो, ठीक तहखाने के सामने जो है मूंग का मंदिर के सब। जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने। 500 साल से फंड रहे प्यारे वहाँ पे। वीडियो में क्या है? पहला दावा, ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष का दावा है वहां नमाज होती है, मस्जिद जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि रजिया और औरंगजेब ने मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई। मस्जिद की ओर नंदी की मूरत कैसे आई? एक नहीं तमाम तस्वीरें हैं। वीडियो में सब कुछ हूबहू वैसा ही रिकॉर्ड किया है और फोटो भी बिल्कुल वैसी है। इधर बड़ा नंदी है वो, ठीक तहखाने के सामने जो है मुंह का मंदिर के सब, काशी विश्वेश्वर के तरफ उनका मुंह है, आज भी वो सबके सामने है ही है। व्यास पीठ है, मुक्ति मंडप है और समझ लीजिए कि महाकालेश्वर, ताड़केश्वर, गौरी शंकर का मंदिर जो इन्होंने अभी हटा दिया प्रशासन ने यहाँ के लिए कॉरिडोर बनाते समय, उसको लिखित दिया है इन्होंने कि इसको जो है आपके आचार्यत्व में इसको स्थापित किया जाएगा। अभी स्थापित इन्होंने कराया नहीं प्रशासन ने यहाँ के। दूसरा दावा कहता है तहखाना है सबूतों का खजाना। मुस्लिम पक्ष कहता है तहखाने में कुछ नहीं है लेकिन वीडियो में जो मिला है वो उम्मीद से ज्यादा है। तहखाने की दीवारों पर शेर, स्वास्तिक मूर्तियां जैसी कई हिंदू चिन्ह मौजूद हैं। तहखाने में पत्थर का कछुआ मिला है जैसे सर्वे टीम की रिपोर्ट में आया। एक जगह मुझे दीवार पे शेर की आकृति दिखाई पड़ी, कुछ मंत्र खुदे थे तो मैं कमिश्नर महोदय को बुला के बताया कि सर यहाँ पे ये है और उन्होंने फिर उसको नोट किया, हमने उसकी प्रॉपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। शेर की आकृति और मंदिर खुदे हुए थे? नहीं, श्लोक श्लोक खुदे, श्लोक खुदे थे। अच्छा, वो किस भाषा में थे? संस्कृत? वो संस्कृत देवनागरी लिपि थी, देवनागरी लिपि थी, संस्कृत जैसा ही कुछ था। अच्छा, तो कितने शब्द होंगे कुल मिलाकर? खंबे पे 3 लाइनें थी लगभग। अच्छा, 3 लाइनें खंबे पे लिखी हुई? जी जी। तो क्या पढ़ पाए, कुछ याद है? नहीं, पढ़ नहीं पाए क्योंकि हम स्थिर होके उसको पढ़ने, हमारा ये इंटरेस्ट तो था नहीं कि हम उसको देखें पढ़ें वहां पे क्या है। हमें उसका सिर्फ फोटो करना था, वीडियो करना था, वो जो चीजें थी उसकी फोटो वीडियो। अच्छा, की अंदर अंदर आखिरी दीवार पे गए तो वहां पे पानी रिस रहा था, सीलन था सबसे आखिरी सामने, जो जो कॉरिडोर की तस्वीर दिख रही है वो एकदम सामने अगर जाएंगे तो आखिरी में दीवार पे कहीं पानी चू रहा सीलन है। बाकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवारों पे कहीं विशेष बहुत ज्यादा चिन्ह नहीं है लेकिन वहां पे एक मगरमच्छ की मूर्ति रखी हुई थी। अच्छा, मगरमच्छ की मूर्ति रखी हुई थी। तो मगरमच्छ की मूर्ति किस पत्थर की थी? क्या किसी दीवार पे बनी थी या मूर्ति अलग रखी? नहीं, मगरमच्छ की मूर्ति जमीन पर रखी थी, लगभग 1 फुट से कुछ कम होगी, 1 फुट से कुछ कम होगी और संगमरमर का नहीं था, वो पुराने पत्थर का था। पुराने पत्थर की मगरमच्छ की मूर्ति तहखाने में मिली। एक एक चिन्ह का परीक्षण हुआ है, विश्लेषण हुआ, फिर जाकर वीडियो फोटोग्राफी हुई,
व्यास जी का तहखाना बिल्कुल ऐसा है, बांस बल्लियां दिखाई दे रही हैं। तहखाने के दरों दीवार पर मंदिरों के कई निशान मिले हैं, जिसमें एक निशान मंदिर का एक नायाब हिस्सा मिला। वो जो टीम थी वो काफी पैनी निगाह वाले लोग थे, हर छोटी बड़ी चीज की फोटोग्राफी कर रहे थे। अगर मुझे हो सकता है कि मैं उन चीजों को महत्वपूर्ण न समझ पाता, वो लोग छोटी छोटी चीजें, कहीं भी एक पत्थर की कटिंग है तो उसकी भी उन्होंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई, कोई बड़ी चीज भी थी तो लगभग ऐसे। एक तो आपको एक खंडित मूर्ति और दिखाई पड़ी, शिखर, मंदिर के शिखर पे जो झंडा लगाने के लिए लगती व्यवस्था, नीचे गोल पत्थर होता है डिजाइनदार कटिंग वाला, उसके ऊपर एक पत्थर होता है, फिर उसके ऊपर छोटा पत्थर होता है, फिर उसके ऊपर छोटा पत्थर होता है, फिर झंडा लगता है, ऐसा एक दिखा वहां पे रखा हुआ था जिसपे झंडा लगाया जा सकता था, कभी लगाया जाता रहा होगा। उसका भी फोटो आपने खींचा? जी, ये तहखाने में ही मिला। ये तहखाने में मिला, नंदी के सामने वाले, नंदी के सामने वाले तहखाने में। और लाल रंग के पत्थर का था? नहीं नहीं, लाल रंग के पत्थर का नहीं, सामान्य। जैसा कि सर्वे टीम के कैमरामैन ने बताया, वीडियो में मंदिर का शिखर वैसा ही पाया गया। एक नहीं, कई तहखाने हैं ज्ञानवापी के भीतर। अभी तक 4 तहखानों का सर्वे हुआ है। हिंदू पक्ष तो दूसरे और तहखानों के सर्वे की बात कर रहा है, जिसमें तहखाने में व्यास जी के कमरे की दीवार हटाने की मांग हो रही है। ये वही दीवार है जिसके पीछे सबूतों का भंडार है। कौन है व्यास जी? क्या है व्यास जी का दावा? व्यास जी का दावा है कि ज्ञान वापी पर मालिकाना हक मुसलमानों का नहीं, उनका है, और सबूत उनके पास है, और अब तक तहखाने के एक हिस्से पर उनका कब्जा इसलिए। सर ये बताएं कि इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये क्या है? जिस तहखाने की बात हो रही है, जो व्यास जी का कमरा जो है उसको खोलने की बात की जा रही है, माफ कीजिएगा, ये 1875 में, 1855 में, सॉरी 1855 में व्यास जी को चपरास मिला था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसने चपरास दिया था कि पूरे ज्ञानवापी हाथे की जो है रक्षा पकड़ाई करेगा, और व्यास जी को एज अ मजिस्ट्रेटियल पावर दिए गए थे कि आप उस मजिस्ट्रेटियल पावर के तहत में उस हाथे के बाबत में जो निर्णय करने का अधिकार होगा आपको होगा। इसलिए सारी तय बाजारी वगैरह वसूलना व्यास जी अपना वसूलते थे। ये लोग इंटरफेयर करते थे तो शिकस्त खाते गए। ये लोग हमारे दुकानदारों से कभी कभी मारपीट किए, उसमें शिकस्त खाते गए। दफा 34-32 के तहत में कार्रवाई भाई, ये लोग पेनाल्टी ये लोग भरे, ऐसे तमाम वारदात भाई हैं कि जो व्यास जी ने बकायदा इन लोगों को शिकस्त देते चले आ रहे हैं। अच्छा, पूरा देश सर्वे के वीडियो में उस दावे को परखना चाहता है जो वजूखाना में मिले शिवलिंग जैसे स्ट्रक्चर को लेकर हिंदू पक्ष ने किया। दावा नंबर 6, शिवलिंग या फब्बारा। सर्वे टीम के मेंबर और कैमरामैन ने जब वजू खाने की वीडियोग्राफी की, वो उन्हें भी फब्बारा नहीं शिवलिंग जैसा लगा, और वीडियो भी हूबहू शिवलिंग ही लग रहा है। हिंदू पक्ष इसलिए उत्साहित है और वजू खाने के तहखाने के भीतर मंदिर का दावा किया है। आप अगर जो वीडियो में चल रहा है उसको भी गौर से देखेंगे तो फिनिशिंग नहीं दिखेगी, वो लगेगा कि बहुत बढ़िया से काम नहीं किया गया है, साधारण केवल कुछ चकत्ते चिपकाए गए हैं और उसमें आपको फिनिशिंग नहीं दिखाई पड़ेगी। तो बाद में जल्दीबाजी में कभी बनाया गया है और वो सेम मटेरियल नहीं है, दिखता भी अलग अलग है। एक 10 साल का बच्चा भी बता देगा कि वो जो शिवलिंग का मटेरियल है और ऊपर जो चकत्ते चिपकाए गए हैं दोनों के मटेरियल अलग अलग हैं। वह जो है काला पत्थर जिसको शिवलिंग कह रहे हैं वो चमकदार है और मुझे शिवलिंग जैसा ही प्रतीत हुआ। तो हिंदू पक्ष का जो ये दावा है उसमें दम लग रहा है? सर फवारे के दावे में तो कोई भी दम नहीं है, उसको कोई साबित नहीं कर सकता है फवारा है। किसी भी तर्क के कसौटी पे कसा जा सकता है कि वो फवारा नहीं है। दावा नंबर 7, वजू खाने के तहखाने में क्या है? अदालत ने हर वीडियो को देख लिया है, हर फोटो को परख लिया है, लेकिन सबसे पेचीदा मसला शिवलिंग या फवारे का है, जिसे हिंदू पक्ष को शिवलिंग साबित करना है और मुस्लिम पक्ष को फवारा। लेकिन हिंदू पक्ष के नए इल्जाम ने फब्बारे की थ्योरी पर साजिश का डेंट लगा दिया है। बचपन से वही पला हूँ, 1669 से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं गुजरी है। मेरे ठीक दरवाजा के सामने मस्जिद दिखाई देता था, मेरे बरामदे से बाबा का घर भी सब कुछ दिखता था, और
कभी मैंने फुहारा को चलते नहीं देखा। मैं मस्जिद के मंदिर के अंदर मस्जिद क्या जिसने मंदिर उससे कई बार मैं बचपन में खेला हूँ कूदा हूँ। गिनतड़ी होती थी, आता था जाता था दौड़ता था, बाल्यावस्था थी। हम लोग भाई मुसलमान भाई रहते थे, उनसे कहता चाचा जी हमको बाल दे दिए, सब करता था। मैंने कई बार देखा उसके अंदर, क्या क्या नहीं देखा है। सर्वे के वीडियो देखने के बाद अदालत सबसे पहले केस को आगे चलाने का फैसला लेगी। जो कुछ भी अदालत को आदेश देना है सब सर्वे की रिपोर्ट, सर्वे में मिले सबूतों के आधार पर ही लेना है। फब्बारा ही नहीं शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से भी कई दावे किए गए हैं। दावा नंबर 8, वजूखाने में तारकेश्वर या आदि विशेश्वर। एक दावा ये भी है कि वजूखाने में शिवलिंग तो है लेकिन वो तारकेश्वर शिवलिंग है, आदि विशेश्वर नहीं है। स्वयंभू शिवलिंग स्वयंभू हैं, वो जमीन से प्रस्फुटित हुए हैं। और यह भी मैं बता दूं कि वह नीचे कितनी गहराई में हैं, उनका कहां तक कहां से वो उनकी गहराई है ये पाना मुश्किल है। और यह जगतगुरु शंकराचार्य ने मुझे यह बताया है कि यह ब्रह्मांड का नाभि स्थल है, वहां से जैसे नाभि व्यक्तियों का है ऐसे यह ब्रह्मांड की नाभि है और वह नाभि के रूप में ये प्रकट है भगवान विश्वेश्वर। तो वो अतल गहराइयों में से वो निकले हैं और इनका बाहर प्रस्फुटन जो है वो 100 फुट का है। मतलब शिवलिंग को लेकर कई रहस्य पर से अभी पर्दा उठना है। मंदिर है या मस्जिद, वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें मस्जिद के नीचे मंदिर के गुंबद का दावा किया गया है। दावा नंबर 9, गुंबद में मंदिर की निशानियां। जो वीडियो मिला है उसमें साफ दिख रहा है कि मस्जिद की गुंबद के नीचे शंक्वाकार मंदिर का गुंबद है, मतलब मंदिर की गुंबद के ऊपर मस्जिद के गुंबद, बिल्कुल ऐसा जैसा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलदीप तिवारी बता रहे हैं। संत लोग इधर से आते थे, यहाँ समाधि लेते थे, बैठ के ईश्वर का नाम लेते थे। यही पर एक किला है जो बना है, किला है ये गुंबद देखिए, मंदिर ये पुराना वाला मंदिर का ही है ना, जो आप जो धुआ खड़ा की है गोपा देखा आपने मंदिर, जो यही तो कहा जा रहा है कि अंदर मंदिर है, मंदिर का शेप है और ऊपर मस्जिद है, और ये वो तो साफ दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे श्रृंगार गौरी है। सबूत पर सबूत, दावे पर दावे, जिसमें सबसे बड़ा दावा श्रृंगार गौरी की हर रोज पूजा को लेकर था। और इसी केस से ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश हुए और सर्वे के बाद ज्ञानवापी का असली कैरेक्टर जानने की मांग होने लगी। वीडियो में सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसा कि दावा किया गया है, लेकिन एक नया दावा भी हुआ है। दावा नंबर 10, ज्ञानवापी के नीचे शंकर का खजाना। श्रृंगार गौरी जिस जगह पर मौजूद है उस जमीन के नीचे किसका वजूद है? काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत का ये दावा बड़ा ही सनसनीखेज है। उन्होंने दावा किया है कि ज्ञानवापी की पूरब की जमीन के नीचे शिव शंभू का खजाना है। मैं सोमवार को फिर एक याचिका दाखिल कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये दाखिल कर रहा हूँ कि हमें पीछे की जमीन का जो है जहाँ धुआ है उसको खुदवाया जाए, जिसके अंदर 30-30 फीट नीचे शिवलिंग है, पूरब की तरफ खुदवाया जाए जहाँ पे भगवान शंकर का खजाना है, कि वहाँ प्रचुर धर्म है उसको खुदवाया जाए और उसको पुरातत्व विभाग द्वारा सारी जो है शासन से केंद्र से प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूँ इसको तत्काल किया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी, हम न हिंदू के पक्ष से वो न हम जो है गंगा जमुनी संस्कृति में रहते हैं, हम महंत हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, विश्वनाथ जी का महंत हूँ। असत्य बात देखियो, क्योंकि हमने धर्म को जाना है, हम धर्म को धारण किया, हमने अधर्म की पाप नहीं। दावा नंबर 11, ज्ञानवापी की दीवारों में शिवलिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने एक और दावा किया है, ज्ञानवापी की दीवारों को गिराने की मांग है। ज्ञानवापी की दीवारों को गिराने की मांग की है। इनका दावा है कि जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई तो शिवलिंग और मूर्तियां दीवारों में चुनवाई। वीडियो में ये दीवारें तो कैप्चर हुई है लेकिन इसके भीतर क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन दावा सनसनीखेज है। नंदी की दूरी वहां से 8 या 10 फीट होगी, क्योंकि नंदी के थोड़ा अंदर है, एक जो है पूरा मंडप बना था, थोड़ा उसके आगे 10 फीट होगी, 8 फीट का अंदाजा बता रहा हूँ, हमने नापा तो एक। फिर एक बड़ी बड़ी दीवार है, जिस दीवार में इन्होंने इन मुसलमानों में कई सीढ़ी को दफरा दिया है, दीवार में चुनवा दिया है, ऊपर की खुलवा दिए, बड़ बड़ सीढ़ी गिर पड़े ना गिर तो बताइए।
मैं भारती छोड़ दूंगा, मिश्रा जी का महत्व चुनौती देता हूँ मैं। कौन सी दीवार का कह रहे हैं आपकी? खोल दे कहीं शिवलिंग जी, बहुत से शिवलिंग चुने हुए तोड़ तोड़ के फेंके गए, उसमें डाले गए इनके द्वारा, ये भी जानता हूँ। हिंदू पक्ष अपने दावे को सॉलिड बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष इन दावों को नकार रहा है, लेकिन फिक्र इस बात की है कि जो वीडियो में दिख रहा है उसे वो कैसे नकार पाएंगे, और जब वीडियो दुनिया के सामने होगा तो कैसे मस्जिद की थ्योरी को जस्टिफाई कर पाएंगे। और ये फिक्र बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं को भी हो रही है। ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि ज्ञान वापी को दूसरी बाबरी नहीं बनने देंगे, और अब मदनी भी खुलकर सामने आ गए हैं। रहता था घर जिनसे वो याद आते हैं घर वाले, जो घर को घर गए खाली वो मेहमान याद आते हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं। ज्ञान वापी का जो वीडियो आया है, जो तस्वीरें आई हैं, वो चीख चीख कर कह रही हैं कि मस्जिद भले मौजूद है लेकिन मंदिर का नीचे मौजूद है। इसलिए ओवैसी भी देख लें, मदनी भी देख लें, ज्ञान वापी पर कंफ्यूजन दूर कर लें। लेकिन ऐसा क्या है कि पहली बार ओवैसी और मदनी की जुबान एक जैसी हो गई है? क्योंकि अब तक विचारधारा से एक साउथ पोल है, दूसरा नॉर्थ पोल है, एक अग्रेसिव है, दूसरा मॉडरेट नरम माने जाते हैं, लेकिन दोनों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है। दोनों का तरीका एकदम अलग है, दिमाग अलग है, लेकिन ज्ञान वापी को लेकर दोनों एक लाइन पर है। एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। ये अगर करना है तो कुछ करिए, बोलने की जरूरत नहीं है। अभी मस्जिदों के बारे में, इबादतगाहों के बारे में इस वक्त नहीं, जब तक वो तजवीज पेश नहीं होगी तब तक बात नहीं करेंगे, ना हम करेंगे ना आप करेंगे। जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीखे। ज्ञान वापी मथुरा को लेकर दिल में क्या है, दिन में मदनी ने सुना दिया और रात हुई तो भाईजान आ गए, दिमाग में काशी मथुरा ही घूम रहा था। ज्ञान वापी का मसला कोर्ट को देखना है, जो कुछ होगा वो सबूतों की मेरिट पर होगा और जज साहब भी इसी पर फैसला लेंगे। लेकिन ओवैसी को सर्वे की फिक्र है, सर्वे में कैद वीडियो और फोटोग्राफ की फिक्र है, जिसे हिंदू पक्ष मंदिर बता रहा है, और यही बात भाईजान को सबसे ज्यादा सता रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।